एक बहुत ही दिलचस्प बात है दोस्तों, जो आपको बताता हूं मैं, कि 100 करोड़ से ज्यादा कमाती है इन सितारों की फिल्में। आज तक नहीं मिला इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड। रीजन क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में जबरदस्त अभिनय करने वाले सितारों को दर्शकों का खूब प्यार मिलता है, साथ ही इनके अभिनय को और प्रोत्साहन करने के लिए इन्हें कई तरह के अवार्ड से भी नवाजा जाता है। बॉलीवुड अवार्ड्स की बात की जाए तो फिल्म फेयर अवार्ड को सबसे बड़ा माना जाता है। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे जैसे राज कपूर, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन इस अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। हालांकि बॉलीवुड के बहुत से ऐसे सितारे हैं जिनकी फिल्में 100 करोड़ से ऊपर भी कमाती हैं, लेकिन आज तक इन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड नहीं मिला है। इसमें सबसे पहले नाम आता है ग्रेट एक्टर अक्षय कुमार। जी हाँ, खिलाड़ी कुमार इंडस्ट्री के एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने एक्शन, कॉमेडी, रोमांटिक सारे तरह के किरदार बखूबी निभाए हैं। हीरो के साथ साथ खलनायक के किरदार भी अक्षय कुमार ने खूब सुर्खियाँ बटोरी हैं। ये बात हैरान करती है कि अक्षय कुमार को आज तक फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला है। हालांकि इसके लिए वो कई बार नॉमिनेट ज़रूर हुए, लेकिन हर बार वो पीछे रह जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सिंघम की। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन। अजय बॉलीवुड के सुपरहिट हीरो में से एक है जिनके अभिनय का जादू अभी भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। अजय देवगन हर किरदार को बेहतरीन ढंग से निभाते हैं। एक तरफ तो वो एक्शन फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत लेते हैं, तो वहीं गोलमाल की कॉमेडी से लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते हैं। अजय देवगन की फिल्में जबरदस्त हिट होती हैं, लेकिन उन्हें भी आज तक फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला है। हालांकि अजय 2 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं। जी हाँ, उसके बाद बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान की। कभी प्रेम तो कभी राधे बनकर लोगों के दिलों पर राज करने वाले दबंग खान, यानी कि सलमान खान नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सलमान खान की फिल्में 300 करोड़ रुपए तक बिजनेस करती हैं, लेकिन आज तक उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला है। जी हाँ, साल 1979 में उन्हें मैंने प्यार किया के लिए बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था बस। वहीं कुछ कुछ होता है के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। फिर बात करते हैं हम अन्ना भाई की। जी हाँ दोस्तों, सुनील शेट्टी। बॉलीवुड के अन्ना यानी कि सुनील शेट्टी ने अपने एक्शन से लोगों को दीवाना बना लिया है। सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि खलनायक और कॉमेडी किरदार निभाकर भी सुनील ने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। सुनील ने बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड जरूर अपने नाम किया है, लेकिन बेस्ट एक्टर का अवार्ड वो आज तक नहीं जीत पाए हैं। सोचिए, कुछ तो रीजन होगा।